हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। तो इतने सारे लीक्स के बाद फाइनली कंफर्म हो चुका है, CGS पावर का अनाउंसमेंट हो गया था। और बाकी आपको ये वीडियो में द ई स्पोर्ट्स क्लब का जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है उसमें कुछ टीम CG के कुछ अच्छे फायदे आपको देखने को मिलने वाले, जहाँ पे CG सोगा ने 1v4 किया था, आई थिंक 1v5 था। तो चलते हम सीधा वो मैच की तरफ जो वर्जन 9 के साथ भी हैं, जो फाइट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हो जाए, इवन गॉड्स रेन के साथ। ओके, कार्निवल गेमिंग का फाइट हुआ है, हेक्टर को यहाँ पे गोलियां पड़ रही हैं। हेक्टर के पास था डीगल, ने हेक्टर ने टेक डाउन भी कर दिया, एंड दिस इज फेटालिटी। पाए ये फाइट जो पिछले क्लोज क्वालिफायर्स के दौरान हमने नहीं देखा था, अब देखने को मिल रहा है। जी, अब देखने को मिल रहा है, बट इट्स नॉट लुकिंग टू गुड। एक प्लेयर बाकी आएंगे स्लामिंग करके, थोड़ा सा बैकअप देने के लिए, मेबी जो प्लेयर नॉकडाउन है उन्हें बचा ले, बट आ चुकी है कार्निवल डे गेमिंग कैपिटलाइज करने के लिए। एक प्लेयर बाकी, फिटालिटी की तरफ से भी गए थे बैकअप देने के लिए, बट खुद ही बैकअप की जरूरत इनको ज्यादा रहेगी। अब ईम गॉड आखिरी प्लेयर है जो कि हमें देखने को मिलेंगे, अभी भी सर्वाइव करते हुए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी फाइट्स देखने को मिलेंगी, बट वो भी इतनी मेन टीम्स की तरफ से। जी, इसी बीच जो गॉड्स रेन और वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स हैं, वेनम भी खत्म, व्हिच मींस गॉड्स रेन पूरी तरीके से एलिमिनेट, क्योंकि वो गाड़ी घुमा के पीछे भागने की तरफ गए थे जहां पे रेकनिंग के प्लेयर्स ने उन्हें पकड़ लिया। देखिए, फाइट उन्होंने शुरू करी थी कहीं और पिक ऑफ हो गए कहीं और किसी और ही टीम के पास फाइनल फिनिश आया। बट आप बात करिए, गुजरात टाइगर्स अभी भी उसी पोजीशन पे हैं, अभी भी फॉल बैक यहाँ से नहीं करा है। मेरे को एक सेकंड के लगा था कि मे भी यहाँ से कंप्लीटली फॉल आउट करेंगे, बट नहीं हुआ, वो रोटेशन जो मे भी डालना नहीं चाहिए था इन्हें। कार्निवल गेमिंग ऑन द अदर हैंड V9 के साथ फाइट लेती हुई, दो प्लेयर डाउन, बट ऑन द अदर हैंड गुजरात टाइगर्स के कॉर प्लेयर पिक ऑफ हो चुके हैं। क्या ये वो मौका है जिस पे जेली को वो पुश निकालना है, जिस पे जेली को वो कैपिटलाइजेशन करनी है, बट पीछे से आ चुकी है रेकनिंग की टीम और जुड़ता हुआ तेज की क्रेटोस जो है सिली के साथ फाइट लेंगे। पहला नॉक उनके खाते में, टीम तमिल आज अब पीछे वाली फाइट पे फोकस करेंगे, एलिवेशन वाली पोजीशन को कंप्लीटली गिव अप कर चुके हैं। नियो भी पिक ऑफ होते हुए, शोगन आखिरी प्लेयर बाकी, एक काउंटर नेड बट काफी नहीं रहेगा। जी, काफी तब भी रहेगा, यहाँ पे फॉक्स ओपी पिक ऑफ करेंगे गॉब्लिन को, शोगन की तरफ से काउंटर, मैक्सी जो है वो होंगे पहले प्लेयर डाउन, तीन प्लेयर अभी विशेष। देखिए, बहुत सारी टीम्स यहाँ पे इनो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, बट शोगन का नॉक निकाल के गया शोगन, दैट वाज अ बिग क्लच कमिंग इन फ्रॉम दैट प्लेयर, वो तीनों प्लेयर्स को डाउन कर जाएंगे। कार्निवल गेमिंग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं पाए सिचुएशन में, एंड सेम गोज फॉर टीम गुजरात टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने हो चुके हैं MWT, इट्स गोना बी द लास्ट सोलो प्लेयर स्टैंडिंग। शोगन की तरफ से काउंटर, गॉड्स हो चुके हैं वाइप आउट, एंड मैंने कहा था वहां से बैक स्टैब एक आएगा, बट राइवल एपेक्स अभी भी इसी फाइट में। शोगन क्या यहाँ पे सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं अपने नाम पे? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, शोगन चुपचाप आ चुके हैं, एक प्लेयर को स्पॉट आउट कर चुके हैं राइवल एपेक्स से, पार्ट नहीं, इस शॉट लेके अपना पोजीशन तो है दे दिया है। अब ये 1v4 हो जाएगा उनके लिए, जो नॉक्ड आउट खिलाड़ी है उनको कैसे भी करके ये जीरो नामक खिलाड़ी को टेक डाउन करना पड़ेगा, फिर ही वो फोकस कर सकते हैं आगे की तरफ। जीरो को देखिए, उन्हें पता है कि इसी तरफ जो है शोगन आएंगे, उन्हें बस रोकना है, उन्हें पीक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सामने से आगे से प्लेयर पुशिंग कर रहे हैं, वो स्पेस उन्होंने बना दिया, 5 नेड्स है शोगन के पास, क्या वो यहाँ पे पाशा को डाउन कर पाएंगे? नेड गया, बट नहीं, इसका दिक्कत ही होने वाला था। तेज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे गॉड्स के पीछे पड़ चुके हैं हेक्टर, बग्गी के पीछे बग्गी, क्या निकाल के ले जाएगी कार्निवल ये आखिरी फिनिश पॉइंट भी अपने खाते में, पहला फिनिश पॉइंट है वैसे तो इनके लिए, गॉड्स कितनी दूर तक भगा सकते हैं थे। और बहुत गलत टाइमिंग से गाड़ी से उतरे, उतरते ही कुचल दिए जाएंगे, हो चुकी है कंप्लीटली समाप्ति भी, टाइगर को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड इज गोना बी कार्निवल गेमिंग कमिंग इन, गॉब्लिन हैज बीन पिक्ड ऑफ, सिली हाइड्रो वाइप आउट करेंगे पाशा को, एंजेली की टीम, देखिए रेवन के एक प्लेयर को ओपन में पिक ऑफ कर लिया है, रोटेशन इनका रोकते हुए देखने को मिलेंगे, एंड शोगन का ग्रेनेड आज भी काम तमाम करने में कामयाबी लाके हासिल कर देगा, तीन फिनिश पॉइंट्स कार्निवल के हाथों में, बट पोजीशन, जी हाँ, मेरे को लगता है यहाँ पे टीम तमिलास के पास हल्की सी बेटर रहेगी। ओ, सामने से प्लेयर भाग रहा है स्मोक के पीछे, रिको को कोई अंदाजा नहीं है, सामने हेक्टर ग्रेनेड खोल के खड़े हुए हैं, रिको ट्राई कर रहे हैं कि स्पॉट हो जाए, जेरी को नहीं आएंगे स्प्रे के अंदर, बट पीक स्प्रे, व्हाट वाज दैट काउंटर, मैसिव मैसिव डाउन करा जाएगा यहाँ पे रिको को भी, वो मैन एडवांटेज जा चुका है, IGL भी यहाँ नॉकडाउन होंगे, समहाउ पासा पलट दिया जा चुका है, एंड ऑन द अदर हैंड कार्निवल गेमिंग
फिर से थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए एंड देयर गो दैट्स द थर्ड पार्टी हेक्टर इतने सरनों के बीच में कैसे घूम रहे हैं मैक्स स्पॉट करेंगे एक एचपी एक पीक और एक शॉट इज ऑल ही नीड्स नो अनफॉर्चूनेटली